हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज एक मिसकंसेप्शन फिजिक्स में दूर करते हैं। और जनरली इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं और ख़ास करके 9-10 छोटे जो प्यारे बच्चे होते हैं उनके माइंड में ये बैठा दिया जाता है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू मोशन लगता है, हमेशा मोशन का अपोज करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट नहीं लगता है। फ्रिक्शन तभी भी लगता है जब मोशन भी नहीं होता है, ठीक है। फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट भी लग सकता है, मोशन के डायरेक्शन में भी लग सकता है और मोशन के किसी एंगल पर भी लग सकता है। और फ्रिक्शन तभी भी लग सकता है जब मोशन ही नहीं हो रहा हो। तो ये स्टेटमेंट कहना गलत है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन। पर अगर मैं एक स्टेटमेंट इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ तो वो स्टेटमेंट हमेशा सही हो जाता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू रिलेटिव मोशन ऑफ द टू सरफेस। जो दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आए हैं उस सरफेस के कॉन्टैक्ट के जो रिलेटिव मोशन है एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का, उसके अपोजिट लगेगा। तो ये थोड़ा आपके लिए समझना डिफिकल्ट है। अब ये सिंपल भाषा में लिख दिया हूँ, इंटेंशन ऑफ मोशन। इंटेंशन मतलब जाने की इच्छा हो, या टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट। ऐसे भी सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि फ्रिक्शन हमेशा उस बॉडी के अपोजिट लगेगा जिस बॉडी का टेंडेंसी या मोशन होगा, जिधर बॉडी जा रही है या जाने की कोशिश कर रही है उसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। मोशन के अपोजिट नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल देखो, अब ये देखो एक ब्लॉक है। अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये समझने की कोशिश करना, एक ब्लॉक है और ये एक हैवी ब्लॉक है। इस हैवी ब्लॉक को एक आदमी फोर्स लगा दिया, इधर से पुश कर रहा है, एक फोर्स एफ लगा के, एफ वेक्टर फोर्स लगा, लेकिन ये ब्लॉक चला ही नहीं है यार, ये ब्लॉक चला ही नहीं। तो जब ये ब्लॉक चला ही नहीं तो क्या इस आदमी का लगाया गया फोर्स न्यूटन के लॉ से, न्यूटन का अगर लॉ लगाओगे, पहला रूल लगाओगे कि अगर कोई बॉडी पे इनर्शियल और नॉन, या सेकेंड लॉ लगाओगे कि अगर नेट फोर्स लगेगा तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट हो जानी चाहिए। तो इसने लगा तो दिया 10 न्यूटन इधर, तो 10 न्यूटन लगा दिया, तो ये जो 10 न्यूटन इधर लगाया तो इस 10 न्यूटन को कैंसिल करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया गया, रिसर्च किया गया, तो पता चला कि ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे आदमी, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इससे 10 न्यूटन की फ्रिक्शन इधर लगा दी, दैट्स वाई द ब्लॉक इज रेस्ट। तो मोशन नहीं हुआ तभी भी तो फ्रिक्शन लगा, और इस टाइप के फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो इंटेंशन ऑफ मोशन समझो, समझने की कोशिश करो। अगर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक अब रेस्ट में है, या इंक्लाइन प्लेन पे पहाड़ है अल्फा डिग्री पर और रेस्ट में है, तो रेस्ट में है, अगर मान लो ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये ब्लॉक किधर आता यार, ये ब्लॉक नीचे आता। तो इस ब्लॉक की जाने की इच्छा किधर है, इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, इंटेंशन ऑफ मोशन नीचे है। तो अगर इंटेंशन ऑफ मोशन नीचे है तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, आया समझ में। अब मान लो एक वॉल है, यहाँ पर एक वॉल है, एक इस टाइप से एक, ये एक वॉल है इस टाइप से, और इस वॉल पे अगर मैं यहाँ पर एक ये ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक ऐसे पुश करके रखा हूँ यहाँ से, समझ रहे हो, ये ब्लॉक ऐसे 2D व्यू समझ सकते हैं, ये वॉल है और इस ब्लॉक पे ऐसे मैं एक फोर्स लगा के रखा हूँ ये वाली चीज, तो ऐसे समझ लो रियल लाइफ में। देखो ये जैसे ये है रिमोट है, तो इस रिमोट को अगर मैं बोर्ड में ऐसे रखा हूँ तो इसकी जाने की इच्छा किधर, ये नीचे इस कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे नीचे स्लाइड करना चाहेगा यार, तो नीचे स्लाइड करना चाहेगा, इसकी आने की इच्छा नीचे है, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन नहीं लगेगा यार, ऑलवेज रिमेंबर, बिना कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो ये नीचे स्लाइड करना चाहता है लेकिन मैं ऐसे फोर्स लगा के इसको ऐसे रख दिया हूँ, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो अगर कोई ऐसे ब्लॉक है यहाँ पे, तो इसकी वेट यहाँ पर, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और फोर्स हमेशा पेयर में होता है, रियल फोर्स हमेशा पेयर में होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। तो जितना ये जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है,
वो ये जो सरफेस जो वॉल है वो लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, हम बस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझ रहे हैं। चलो कभी कभी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमेशा वेरी, जैसे ये कर्व पाथ है तो इस कर्व पाथ पे अगर देखोगे तो ये ऐसे यहाँ से अगर एक ब्लॉक ऐसे आ रहा है स्लाइड हो रहा है तो यहाँ से देखोगे तो इस पॉइंट पर फ्रिक्शन इधर आएगा, इस पर इधर आएगा और इस पर इधर आएगा अगर ऐसे स्लाइड करके आ रहा है तो इस हिसाब से जो फ्रिक्शन है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। कभी कभी हमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पता नहीं चलता है और एक ही मोशन में, थोड़ा सा एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर एक हेमी स्पीयर, ये एक हेमी स्पीयर है और ये तो यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये हेमी स्पीयर ओमेगा से घूम रहा है, तो अब ये इस ब्लॉक पे किधर, ये जो सरफेस है वो किधर फ्रिक्शन लगाएगा इस ब्लॉक पे, उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो किधर फ्रिक्शन लगाएगा, देखो वो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा तो इस पे ओमेगा डिसाइड करेगा यार, ठीक है। अगर मान लो ये स्मूथ सरफेस है और ओमेगा जीरो है तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, ब्लॉक की नीचे आने की टेंडेंसी है, इच्छा है तो ब्लॉक नीचे आएगा, तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट लग जाएगी। अब अगर ओमेगा बढ़ाते हो, ओमेगा बढ़ाते हो थोड़ा सा, अगर ओमेगा बढ़ाते हो जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा करते हो, थोड़ा सा ज़्यादा, तो अभी भी उसकी इच्छा नीचे है आने की तो फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। लेकिन अगर मान लो ओमेगा बहुत ही ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक ऐसा समय आ जाएगा इस ब्लॉक की जो इच्छा है, ब्लॉक की जो टेंडेंसी है ऊपर उछलने की हो जाएगी, उस केस में जो फ्रिक्शन है वो नीचे आ जाएगा। तो देखो एक ही ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन ऊपर भी लग गया, फ्रिक्शन नीचे भी लग गया, वो डिसाइड करेगा कौन, ओमेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन डायरेक्शन के मोशन के ऑपोजिट भी लगता है और मोशन की डायरेक्शन में भी लग सकता है कभी कभी, बट कभी कभी बट हमेशा मोशन की डायरेक्शन में नहीं लगता है। और इस ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर दिया और इसका डिटेल अगर जानना है तो जो लॉज ऑफ मोशन है उस वीडियो सीरीज़ में हम कभी इसको डिस्कस करेंगे।